नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भगवान हो साथ तो डरने की कौन सी बात। जी हाँ दोस्तों, हम आप शिव को बताते कि अब आपके जीवन काल में कुछ ऐसे ही सुख परिस्थिति का निर्माण होने वाले हैं जिनमें आपका दिल और दिमाग दोनों ही खुश होगा। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से कहें तो यश में भगवान का चमत्कार आप शिव के जीवन काल पर शुरू होने वाले हैं। जी दोस्तों, अगर आप यश में भगवान की इस महिमा को समझ लेंगे, भगवान के इस संकेत को जान लेंगे तो दोस्तों आपका जीवन सफल होने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता और जो खुशखबरी आपको मिलनी है वो तो आपको मिलकर ही रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में अब आपको अपने जीवन काल में कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि जो भी ईश्वर ने आपके लिए खुशखबरी रची है उनसे आप वंचित ना रहें और जीवन काल को आप बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल पाएं, भगवान श्री कृष्ण को आप प्रसन्न कर पाएं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाएं और अपने जीवनकाल में सुख सुविधाओं को प्राप्त कर पाएं। तो दोस्तों, ऐसे अब आपको अपने जीवनकाल में कौन से बदलाव करने हैं, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, साथ ही भगवान भी आपके लिए कौन कौन सी खुशखबरियाँ आपको देने वाले हैं, इन सभी की जानकारियाँ बहुत ही गहरी तरीके से ग्रहों पर आधारित है जो कि इस वीडियो में हमने बताए हैं। तो दोस्तों, अंत तक देखना अब आपका दायित्व होता है। जी दोस्तों, हम आपके दुआओं के साथ बता सकते हैं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे, बताई गई सावधानियों को, बताए गए बातों को समझ लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपका जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। जी दोस्तों, सर्वप्रथम दोस्तों जो भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जय श्री राम लिख दें। भगवान श्री राम का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो आए दोस्तों, बात करते हैं, शुरुआत करते हैं परमात्मा के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से, परमात्मा की एक बहुत ही अच्छी कहानी से, जिन्हें आप एक बार बहुत ही ज्यादा गौर से सुनिएगा क्योंकि दोस्तों यही कहानी आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। जी दोस्तों, दोस्तों परमात्मा से मिलन की यह एक कहानी है। आपको बता दें कि मंदिर में नारियल तोड़ना ये बताता है कि सबसे पहले हम नारियल की जटा हटाते हैं। ये जटा है हमारी इच्छाएं, जिन्हें सबसे पहले हटाना है। जी दोस्तों, फिर उसका कठोर हिस्सा तोड़ते हैं, ये हमारा अहंकार है जिसे हटाना बहुत जरूरी है। फिर निकलता है पानी और ये हमारा अंदर का नकारात्मक विचार है जिनके निकालने के बाद फिर आती है प्योर सफेद गरी जो आत्मा का प्रतीक है। बिना इच्छा, अहंकार और नकारात्मक सोच हटाए हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। ये दोस्तों, तो दोस्तों आपको अपने जीवनकाल में अब इन तीन बातों का ध्यान रखना है तभी आप परमात्मा से मिल पाएंगे। तो दोस्तों, यह बातों में अगर आपको सच्चाई लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आए दोस्तों, से के साथ बात करते हैं कि भगवान श्री राम के आशीर्वाद से अब आपके जीवन काल में आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली है। दोस्तों, इसमें लोगों की परवाह न करके अपनी योग्यता अनुसार मन मुताबिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें, आपको अवश्य कोई उपलब्धि हासिल होगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा तथा रुकी हुई पेमेंट वगैरह आने से आपको राहत महसूस होगी। दोस्तों, यश में सावधानी की अगर बात करें तो कभी कभी ईगो और अति आत्मविश्वास आपको अपने लक्ष्य से यश में भटका सकता है। दोस्तों, इसलिए अपने मन को जो है संयमित रखना आपके लिए यशमय अति आवश्यक होगा। दोस्तों, किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में यश में दिक्कत अगर आ रही है तो दोस्तों घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह लें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे और दोस्तों इनसे आपको कोई समाधान भी मिलेगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे मित्रों द्वारा आपके साथ मनमुटाव को दूर करने की कोशिश की जाएगी और दोस्तों अपने अहंकार को दूर रखकर करीबी व्यक्ति को माफ करना आपको इसमें सीखना होगा। दोस्तों, परिवार और काम दोनों जगह प्रगति प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में भी यश में सुधार देखने की वजह से आपका उत्साह यश में बढ़ेगा। काम के बारे में कुछ नया करने की योजना भी यशमय बन सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों कुछ विशेष कार्य संबंधी योजनाएं यशमय क्रियान्वित होंगी। दोस्तों, घर के रखरखाव संबंधी कार्यों में भी समय यशमय व्यतीत होगा। दूसरों के दुख दर्द और तकलीफ में उनकी सहायता करना तथा आपका सकारात्मक व्यवहार समाज में आपकी छवि को और अधिक यशमय निखारेगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें क्योंकि दोस्तों अकस्मात ही कोई खर्चे इसमें सामने आने की आशंका बन रही है। दोस्तों, अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़े सभी निर्णय आप स्वयं ही लें। अगर प्रॉपर्टी या फिर वाहन से संबंधित लोन लेने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो दोस्तों यशमय इन्हें स्थगित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे
दोस्तों कई सारी बातों के बारे में निर्णय लेने का समय यश में आ गया है, जिसकी वजह से मन में बेचैनी सा आपको महसूस भी होगा। दोस्तों कुछ बातों को पीछे छोड़कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए दोस्तों यश में पुरानी बातों में अधिक ना उलझें। आपके द्वारा मिला सहयोग मित्र के लिए अधिक मायने रखेगा। मन में बढ़ रही बेचैनी और गुस्से को शांत करने के लिए सांस संबंधी व्यायाम यश में जरूर करते रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आप जो है अपने कार्य को जितनी अधिक परिश्रम से करेंगे उनके ही अनुरूप आपको उचित परिणाम यश में हासिल होगा। दोस्तों युवा वर्ग अपने किसी दुविधा को दूर होने से राहत भी महसूस करेंगे और दोस्तों भविष्य संबंधी फैसला लेने में भी यश में आपके अंदर आत्मविश्वास और हिम्मत बढ़ेगी। साथ ही दोस्तों यश में किसी नजदीकी संबंध को लेकर आपके अंदर शक व फिर वहम जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और दोस्तों इसकी वजह से संबंध भी खराब हो सकते हैं। बेहतर होगा कि इसकी वजह से आप संबंध को खराब न होने दें और नकारात्मक बातों को अपने दिमाग में जो है उपजने ही ना दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों यश में आपके लिए जैसे होंगे दोस्तों काम मनचाहे वक्त पर ना पूरा होने की वजह से आपके ऊपर तनाव भी बना रहेगा, लेकिन दोस्तों काम पूरा करने के लिए अपने प्रयत्न आप करते रहें। आपको अपनी निर्णय क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यश में आपके लिए मार्गदर्शक कोई ना होने की वजह से अकेलापन आपको महसूस हो सकता है, फिर भी दोस्तों परिस्थिति में बदलाव अपनी भावनाओं को काबू में करके किया जा सकता है, तो दोस्तों इन पर आप ध्यान दें। इसको उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, परिस्थिति पूर्णतः आपके पक्ष में ही है। सिर्फ कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर अच्छी तरह विचार विमर्श करने की जरूरत होगी। दोस्तों धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपकी यश में आस्था बढ़ेगी तथा आपकी जीवन शैली में भी सकारात्मक परिवर्तन यश में आएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आप जो है किसी व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी किसी भी कार्य में रिस्क ना लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़े नुकसान होने की भी आशंका यश में लग रही है। इसके उपरांत दोस्तों घर के बुजुर्गों के मान सम्मान में भी किसी प्रकार की कमी न करें, क्योंकि दोस्तों उनकी नाराजगी घर के वातावरण में उदासी ला सकता है, तो दोस्तों इन पर भी आप ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों किसी भी विषय में निर्णय ना होने की वजह से एक जगह अटके रहने की संभावनाएँ आपके अंदर पैदा हो रही है। दोस्तों यदि आप परिस्थिति में बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों आपके विचारों में भी बदलाव आपको करना चाहिए। हर चीज़ पर नियंत्रण करने की आपकी जो कोशिश है इसमें आपको तकलीफ दे रही है। दोस्तों केवल अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए काम करते रहें। लक्ष्य किस मार्ग से प्राप्त होगा इस बात का अधिक तनाव खुद के ऊपर ना बनाए। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे दोस्तों मार्केटिंग संबंधी सभी कामों को स्थगित रखें, क्योंकि लाभ की संभावनाएं कम ही है। दोस्तों यश में अपना पूरा ध्यान कार्यस्थल पर ही केंद्रित रखें, दूसरों के बजाय अपने विचारों को ही यश में प्राथमिकता दें। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये जो समय होंगे अपने अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। और दोस्तों इसके उपरांत आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों कारोबारी विस्तार संबंधी योजनाएं बनेंगी, परंतु उन पर निवेश करने से पहले सभी पहलुओं पर आपको विचार करना अति आवश्यक होगा। दोस्तों किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करने के लिए जो समय होंगे अति उत्तम समय होंगे, कोई भी ऑफिशियल यात्रा भी यह समय हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके कार्य क्षेत्र के लिए जो समय होंगे, कार्य क्षेत्र में आपकी उपस्थिति होना यश में आवश्यक होगा, क्योंकि दोस्तों यह समय कर्मचारियों पर अत्यधिक विश्वास करना आपके लिए उचित नहीं होगा। राजकीय मामलों को थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि दोस्तों किसी उच्च अधिकारी से कहा सुनी भी हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, अधिकतर व्यवसायिक कार्य निर्विघ्न पूरे होते जाएंगे, आर्थिक स्थिति भी यश में बेहतर होंगी, परंतु दोस्तों टैक्स और लोन संबंधी मामलों को स्थगित रखना आपके लिए उचित होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति जो है अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करें, क्योंकि दोस्तों पदोन्नति के अवसर यशमय बन रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में घर का वातावरण मधुर बना रहेगा। अचानक ही किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की वजह से मन भी यश में प्रफुल्लित रहेगा तथा दोस्तों यश में पुरानी यादें भी ताजी होंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानी रह सकती है, दोस्तों उनका सहयोग करना आपके लिए आवश्यक होगा और दोस्तों इससे आपसी संबंध में और अधिक नैतिकता आएगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों अत्यधिक व्यवस्था के बावजूद भी अपने परिवार के लिए कुछ समय अवश्य निकालें, इससे दोस्तों परिवार में आपसी प्यार और सामंजस्य बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, दोस्तों पारिवारिक वातावरण यश में स्वादपूर्ण रहेगा, जीवन साथी का सहयोग आपकी कई परेशानियों का भी हल करेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य सेहत को लेकर बात करें
तो दोस्तों यश में शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी। और दोस्तों इसलिए कुछ मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी अपना समय को व्यतीत करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, कभी कभी नकारात्मक विचारों के उठने से तनाव रहेगा, जिसका असर आपकी शारीरिक क्षमता पर भी पड़ सकता है। दोस्तों यश में आप योगा और मेडिटेशन पर जरूर ध्यान दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, गलत खान पान की वजह से गैस और फिर बदहजमी जैसी शिकायत रह सकती है। दोस्तों अपना खान पान बहुत अधिक संयमित रखने की आपको आवश्यकता होगी।